मृदुभाषी, मिलनसार, मानवता प्रेमी, निर्मल एवं स्वच्छ छवि, सरल एवं सौम्य स्वभाव, प्रतिष्ठित व्यवसायी, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए, धार्मिक विचारों वाले सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री पुरुषोत्तम दास सिंघल जी, फर्म गोपीराम हरिराम। आप दालों के निर्माता एवं थोक विक्रेता हैं। आपकी फर्म सन 1961 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत है। अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। आदरणीय व्यापारी भाइयों, आज मैं आभार प्रकट अभिनंदन ऐसे व्यक्ति से रूबरू कर रहा हूँ, रामोवा करवा रहा हूँ और उनका अभिनंदन कहूँ, स्वागत कहूँ, आभार कहूँ या शुभकामनाएं देता हुआ कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कारण 1965 जब मैं दिल्ली बीकानेर से दिल्ली आया था, इनके पिताश्री जो जबरदस्त मेरे सर पर रखा था, आज वो मेरे सर पर घूमता है और हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद का जबरदस्त हमेशा का हाथ रहा। उनके सुपुत्र से आज मैं अभिनंदन आभार प्रकट करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। मुझे नहीं पता कितनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता क्या करते हैं, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे कुछ संस्कारों का पता है। जब भी इनसे मिलता हूँ, हरे भरे से मिलते हैं, आओ हनुमान जी, आओ भाई जी, ऐसे व्यक्ति से आज मैं साक्षात करके प्राप्त हो गौरवशाली हो रहा हूँ। उनका नाम है श्री पुरुषोत्तम जी सिंघल, जिनका आदरणीय भाई साहब को पिताजी, पिताजी श्री गोपीराम जी, पिताजी दिखा रहा हूँ उसे, देखिए साहब ये इसलिए है कि मैं इनके पिता शब्द तुल्य ही मानता था। श्री आदरणीय श्री गोपीराम जी के, हरिराम जी के सुपुत्र हैं, उनके पिता श्री गोपीराम जी, जिनको मैं देख नहीं पाया, उनसे उनको संस्कार उनको मिला था और आदरणीय हरिराम जी का संस्कार इनको प्राप्त हो रहा है। भाजी पुरुषोत्तम जी नमस्कार, जय श्री नमस्कार जी, नमस्कार। आपसे मिलकर के मुझे आदरणीय दादा श्री बाबा जी है ना, बाबा है गोपीराम जी, गोपीराम जी बाबा, वो मुझे किसी ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं, आप मिले भी नहीं, मिले भी हो गया, मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो 64 में ही उनका देहांत हो गया था। मैं इनको ये मालूम कहता था कि मुझे नहीं मालूम, बाकी उनका संस्कार बाजी में विद्यमान था। जी 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 जी। और उसी तरह आप बुजुर्गों का आशीर्वाद जब हमारे सर पे है तो हमें क्या दिक्कत है। अब तो व्यापारी भाई को दिखाइए आप, आपने कैसे शुरू किया, किस तरह किया और आप किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, ये थोड़ी जानकारी। मैं डिजिटल डायरेक्टरी भी ला रहा हूँ के साथ, आपको ज्ञात है आप समय समय हमारे दोस्त करते रहे जी, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालो। मैं 79 के अंदर बाजार में आ गया था, 12th के पेपर दिए थे मैंने और पिताजी ने मुझे रोकड़ की चाबी पथमा दी कि तो कॉलेज जा या ना जा मुझे नहीं मालूम, रोकड़ तो ये संभालनी है शाम को आके। तो 79 से इस बाजार में हूँ, फर्म मेरी 61 से है, ये गोपीराम हरिराम जो पिताजी ने शुरू करी और जैसा है सदाचार उन्होंने मुझे दिया है वैसा निभा रहा हूँ मैं। कोई किसी से झगड़ा नहीं आज तक, किसी की उंगली हमारे ऊपर उठी नहीं, कोई बाजार में हमारा बदनामी नहीं, कोई कह नहीं सकता जी वो तो। जी जी जी, तो यही चीज़ें हैं। बाकी तो संस्थाएं तो आप जैसे कह रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता मैं कितनी संस्था से जुड़ा हूं। 2-3 हॉस्पिटल्स हैं, 3-4 धर्मशालाएं हैं, जो भी आता हो कोई खाली नहीं जाता, मैं ये कह सकता हूँ जो भी आ जाओ खाली जाता आपके। कोशिश यही है, भगवान का दिया भगवान के नाम अर्पण कर रहा हूँ, मुझे मेरे पास क्या है। भाई साहब भी उसको भी मैंने कॉलेज में एंट्री करी, उसने BBS करा है, उसने उसके बाद MBA भी कर रहा है, कर चुका वो।
तो लेकिन बड़े बिजनेस में मेरा सहयोग कर रहा है, उसमें विषय में ले लिया, बिल्कुल ले लिया। गोपीराम हरिराम कंपनी शुरू से ही चलती आ रही है, गोपीराम हरिराम फर्म 1961 से है। अच्छा, दुकान मैंने जब करी थी ये 88 में, सन 88 में, तब गोपीराम हरिराम एंड कंपनी का नाम इसमें रखा था हमने, लेकिन पिछले 5 सालों से मैंने इसको, उस फर्म को बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आड़त नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो ये सेल डिपो बना रखा है मैंने मिल का, नया बाजार में सेल डिपो है, लारेंस रोड हमारी अब फैक्ट्री है, ड्राई में अब बन रही है। शुरू से दालों में ही रहे हैं, पहले तो मूंग धोआ तलाई बनाते थे, अब चना दाल और चना उसमें आ गए, चना छनाई में जब बात करने की फुर्सत नहीं थी, ट्रकों के लगाने के लिए मारा मारी होती थी, अब तो खाली रहते हैं, काम का सब ट्रेड बदल गया है, तरीका बदल गया है, काम पूरा है, करने वाला चाहिए, तरीके से करने वाला चाहिए। सही बात है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी भाइयों, सुना आपने भाई जी का विचार, और सतन जी मैं जब से देखा है तब से वैसे ही देखता आ रहा हूँ, और मैं अमर ज्योति डायरेक्टरी जय सद्गुरु पत्रिका परिवार की तरफ से उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और शुभकामनाएं देता हूँ, दिन दूनी रात चौड़ी ये बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे, इसी भावना के साथ धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।